आईवी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। यूपी के आजमगढ़ में स्थित अलफला हॉस्पिटल में आज फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 2000 मरीजों को निःशुल्क इलाज किया गया। इस आयोजन के तहत सामान्य रोगों के साथ साथ हड्डी, दांत, आंख, दिमाग और बच्चों के रोगों का इलाज विशेष डॉक्टर द्वारा किया गया, जिसमें दवाई फ्री दी गई। इस मौके पर हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जावेद अख्तर रहे। आयोजन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और डॉक्टर जुलार अहमद ने कहा कि गरीबों की सेवा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम ऐसे ही समय समय से इस तरह का आयोजन कर मरीजों को निःशुल्क सेवा देने का काम करेंगे। साथ ही इस आयोजन के बारे में डॉक्टर मोहम्मद दानिश ने भी संबोधित करते हुए कहा कि गरीब लोगों के बीच में आने के बाद जो है उनको सर्विस देने में बहुत ही आनंद आता है और अच्छा भी लगता है कि गरीब मरीज जो शहर में ही पहुँच पाते हैं, यहाँ पर आने के बाद उनको हम लोग जो बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। जैसे माओं को ये नहीं पता होता कि बच्चों को जो है घर तक पानी नहीं देना चाहिए, बच्चों को माँ का दूध कम पड़ता है तो कौन सा दूध जो है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक है, तो उसके बारे भी हम लोग जानकारी देते हैं। बच्चों को जो है किस उम्र में क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए उसके बारे में जानकारी देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कब्ज़ के शरबत में शिकार रहते हैं, अक्सर वो कब्ज़ की दवा खाते हैं तब उनको लैट्रिन होती है, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं कि बच्चों को खाने पीने में कौन सी ऐसी चीज़ दी जाए कि जिससे कि उनको लैट्रिन के लिए अलग से दवा ना लेनी पड़े, बाद में चलकर उनको पाइल्स या फिशर तरह तरह की बाद में कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो वहाँ पर टीकाकरण के बारे में हम लोग बताते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं और उसके बच्चे पैदा होने के कितने दिन के बाद बच्चों को जो है टीकाकरण के लिए अलफला हॉस्पिटल या मतलब फला एक मदरसा है, इसका एक पार्ट है। ये मदरसा 60 साल पुराना है। यहाँ पे हमने एक हॉस्पिटल खोला है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जिसको 60 साल हो गए। यहाँ हम लोग आम दिनों में भी 10 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, दवाएँ डिस्काउंट पर दी जाती हैं, गरीबों को फ्री दवा दी जाती है। अभी इस टाइम के मौके पे हम समय समय पे कैंप लगाते हैं। इस साल हमने 7 कैंप लगाए हैं, 7वां कैंप इस साल। इस कैंप में हम चाहते हैं कि आसपास के जो डॉक्टर हैं जिनको हमारे यहाँ के पेशेंट नहीं मिल पाते हैं उनसे इस मौके पे मिलेंगे। और ये इलाका गरीबों का है, ज़्यादा तादाद ऐसी है जो दवा उनको नहीं मिल पाती है, डॉक्टर को दिखा नहीं पाते हैं। ये समय समय पर जब हम आयोजन करते हैं इस कैंप का तो उसमें आसपास के बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाता है। इस मौके पर हम तमाम जो डॉक्टर्स हमारे आते हैं वो डॉक्टर फ्री में देखते हैं, साथ में सब कौन कौन से डॉक्टर आपके टीम में सम्मिलित हैं। अभी इसमें देखिए हमारे पास हड्डी के डॉक्टर जावेद अख्तर साहब हैं, आजमगढ़ के मशहूर डॉक्टर। गौरव जायसवाल साहब हैं जो हड्डी के ही डॉक्टर हैं। उसके अलावा सर्जरी में डॉक्टर तारिक शमशाद साहब हैं, डॉक्टर रजा साहब हैं। बच्चों में डॉक्टर जुरार साहब हैं और एक डॉक्टर ज़्यादातर पेशेंट जो है कैडेट के आते हैं, कैंप है तो कैंप में एक जनरल पेशेंट आता है, अदरवाइज हॉस्पिटल में तो हेडिंग साइकोलॉजिकल। यहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट दिखे जो कुछ अलग मतलब वहाँ शहरी क्षेत्र से यहाँ कुछ अलग उनको बीमारी हो या कुछ अलग नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे सर कितने पेशेंटों को आपने आज देखा है? दवाओं में सर आपको उपलब्ध थी दवाएं जो उनको देने लायक थी, दवाएं उपलब्ध हैं आपकी जो दवाएं, क्योंकि आपकी दवाएं रेयर वाली होती हैं। सात आठ दिन पहले ही डॉक्टर से बात कर लिया था जी,